नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों आज हम सीताफल के फायदे के बारे में बात करेंगे। सीताफल एक प्रकार का फल होता है। इसका वृक्ष लगभग सारे भारतवर्ष में पाया जाता है। ज़्यादातर भाषाओं में इसे सीताफल और शरीफा से जानते हैं। इसके अलावा इसे कैस्टर एप्पल, अत्ता, सिंपलम और सीताफल जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीताफल के फायदे के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। इसमें अनेक प्रकार के औषधीय तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। इसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है। अगर बार बार कब्ज बना रहता हो तो ऐसे में भोजन करने से आधा घंटे पहले सीताफल का अवश्य सेवन करें। दोस्तों सीताफल में मैग्नीशियम पाया जाता है जो हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसका रोजाना सेवन करने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो उच्च रक्तचाप में काफ़ी फायदेमंद होता है। यह रक्त प्रवाह को संतुलित करता है, दिल को स्वस्थ रखता है और दिल की धड़कनों को भी संतुलित करता है। सीताफल में नियासिन नाम का तत्व पाया जाता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और साथ में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दोस्तों इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है और एनीमिया में फायदेमंद होता है। अगर आप सीताफल का उचित मात्रा में सेवन करते हैं तो शरीर में एनीमिया की बीमारी दूर होती है और खून बढ़ता है, जिसके चलते थकान, चक्कर आना और जी मचलाना जैसी समस्या दूर होती है। दोस्तों सीताफल में विटामिन सी पाया जाता है जो त्वचा और बालों के लिए लाभकारी होता है। इसके अलावा इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल जैसे गुण पाए जाते हैं जो एक्जिमा, सोराइसिस और फोड़े जैसी समस्याएं दूर करता है। इसके साथ ही इसका नियमित सेवन करने से त्वचा की झुर्रियां दूर होती है और त्वचा युवा बनी रहती है। दोस्तों यदि आप आंखों की समस्या से परेशान हैं तो सीताफल का सेवन आपके लिए फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन सी और रिबोफ्लोविन पाया जाता है जो आंखों की दृष्टि बढ़ाता है। इसका रोजाना सेवन करने से धीरे धीरे आंखों के नंबर का चश्मा दूर होने लगता है। ये बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। यदि बालों में जुएं की समस्या होती है तो ऐसे में सीताफल के बीजों को पीसकर चूर्ण बनाकर पानी के साथ मिलाकर एक लेप बनाएं और रात को सोने से पहले बालों पर लगाएं। सुबह उठकर अच्छी तरह से बालों को साफ करें। ऐसा 3 से 4 दिनों तक करने से बालों की जुएं खत्म होती है। इससे डैंड्रफ की समस्या भी दूर होती है। यदि गठिया और जोड़ों के दर्द की शिकायत होती है तो सीताफल बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए सीताफल के पत्ते, जड़ और छाल का काढ़ा बनाकर रोजाना सेवन करने से जोड़ों की समस्या से आराम मिलता है। इसका कुछ दिनों तक सेवन करने से गठिया की सूजन और दर्द में काफ़ी आराम होता है। दोस्तों सीताफल का सेवन गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसका रोजाना सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।